तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपने आज के सॉल्यूशन चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर के। ये मेरी इस चैप्टर पर दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो डाली है जिसमें हमने इस चैप्टर के तीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीखा था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं। कल की वीडियो में जो हमने किए थे, हमने किए थे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट, थर्ड एंड सेवन्थ। यस दोस्तों, कल की वीडियो हमने क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड और सेवन्थ किए थे। हालांकि सेकंड और सेवन्थ क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, इन दोनों क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। बस यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये 5:1 दे रखा है और यहाँ पे 2:7 दे रखा है। तो कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेवन किया था, तो आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर टू से। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जाके सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं दोस्तों अपने सोल्यूशन पर। तो क्वेश्चन नंबर टू है, द रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 5:1, फाइंड इट्स साइड। आपको इसकी साइड फाइंड करनी है। रेशियो आपको दे रखी है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की, जो कि 5:1 है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वही है, आपको ये इस क्वेश्चन को करते हुए ध्यान में रखना है कि टू एंगल का सम 180 डिग्री होता है और ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय एन। आइए करते हैं इसका अपना सोल्यूशन। सबसे पहले आपको इसमें इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो आप सबसे पहले ईच इंटीरियर एंगल लिख लीजिए, क्योंकि आपको इंटीरियर एंगल ही निकालना होगा। अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल दे रखा होता पहले, तो मैं एक्सटीरियर एंगल निकालता, बट क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल दे रखा है तो मैं इंटीरियर एंगल निकालूंगा। तो ईच इंटीरियर एंगल के हम करेंगे, जो कि हमारा ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो है वो है 5। टोटल आप प्लस कर दीजिए, 5:1 होता है 6, तो इसको लिखेंगे 5:6। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 180 से। अब इससे आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आप 6 को अगर 180 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है दोस्तों आता है 30। तो 5 × 30 इज इक्वल टू, ये आता है हमारा 150। तो जो पहला ईच इंटीरियर एंगल निकला वो निकला हमारा 150। ऐसे ही आप ईच एक्सटीरियर एंगल निकालिए, ईच एक्सटीरियर एंगल लिख लीजिए यहाँ पे। इज इक्वल टू, अब इसमें आपको लिखना है जो कि हमें दे रखा है ईच एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल का रेशियो में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो आप लिखिए 1 / 6 मल्टीप्लाई 180। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 6 को 180 से, तो हमें पता है 30 आता है। तो यहाँ पे लिखिए 1 × 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब हमने अपने ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड। इसके लिए हम जो यूज करेंगे फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख लीजिए, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन, जो कि हमारा फॉर्मूला है। अब आपने ईच एक्सटीरियर एंगल अभी ऊपर निकाला, ये कितना निकाला आपने 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप 30 लिख लीजिए इज इक्वल टू, ये लिखिए 360 अपॉन में एन, 360 डिवाइडेड बाय एन लिख लीजिए। अब एन हमारा इस साइड आ जाएगा, 30 की जगह पे आ जाएगा, और 30 हमारा एन की जगह पे चला जाएगा। तो एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 30। तो इसको सोल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 12। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ साइड कितनी है इस क्वेश्चन में, जो हमारे नंबर ऑफ साइड निकले वो कितने निकली है, 12। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन में डिग्री जरूर डालें, डिग्री डालना है बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन में, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आप हर क्वेश्चन में जहाँ पे डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, 150, 30 और ये 12, यहाँ पे डिग्री जरूर डालें। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड किया अभी हमने, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कल कर लिया था, आप उस वीडियो में भी मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ कन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन इज 4 times द एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। आइए दोस्तों जानते हैं इसका सोल्यूशन, हम समझ कर किस तरीके से जल्दी से कर सकते हैं। इसमें भी आपको मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर रखा है, इसमें भी आपको दो कंसेप्ट समझने हैं कि टू एंगल का सम 180 डिग्री होता है और ईच एक्सटीरियर एंगल का वही फॉर्मूला जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंटीरियर एंगल है ना, वो इंटीरियर एंगल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ कन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन इज 4 times द एक्सटीरियर एंगल, तो वो एक्सटीरियर एंगल के 4 गुना, 4 गुना ज्यादा है, तो हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, आपको एक्सटीरियर एंगल पता नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल कितना है, जो चीज़ आपको पता नहीं होती है उसे आप एक्स मान लीजिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स
अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इंटीरियर एंगल है ना वो एक्सटीरियर एंगल से कितने गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। आप यहाँ पे लिख लीजिए इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4x। अब हमने जैसे कि कंसेप्ट यहाँ पे पता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लेकिन दो एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको वही करना है, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए क्योंकि टू एंगल का सम हमें पता है कि 180 होता है। सो 4 + 4x इज इक्वल टू 180। आप ये एक्स एक्स वाले टर्म को प्लस कर दीजिए तो हमें पता है कितना आएगा, 5x आएगा। 5x इज इक्वल टू 180। अब x यहीं का यहीं रहेगा और जो 5 मल्टीप्लाई में था वो आके जाएगा डिवाइड में, तो 180 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए तो हमें पता है 36। तो ये x की वैल्यू 36 निकली है। ये एक्चुअली में क्या निकला है, ये एक्सटीरियर एंगल ही निकला है। ये एक्सटीरियर एंगल हमें निकल गया है कितना, 36 डिग्री। जैसे आप बोल सकते हैं कि हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गया जो कि 36 डिग्री। अब आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो आपको वही फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। पहले फॉर्मूले लिखने के भी नंबर होते हैं, अगर आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखते हैं तो आपको इसके मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप फॉर्मूला लिखना कभी मत भूलिएगा किसी भी क्वेश्चन में। तो आप फॉर्मूला लिखिए ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू में 360 डिवाइडेड बाय एन। अब पुट कीजिए जो आपको आपने निकाला, आपने 36 निकाला, हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है 36 डिग्री। तो 36 लिखिएगा यहाँ पे इज इक्वल टू में 360 डिवाइडेड बाय एन। अब हमें क्या करना है, एन 36 की जगह पे आ जाएगा और 36 एन की जगह पे चला जाएगा। तो एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ साइड निकली है वो कितनी निकली है फोर्थ क्वेश्चन में, 10। यही हमें सोल्यूशन करके दिखाना था। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 हमने किस तरीके से किया। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है The proof that the convex hexagon, the sum of interior angle is equal to the twice the sum of the exterior angle. ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों। आइए जानते हैं किस तरह से समझ कर हम जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर रखा है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो ये हेक्सागन है जिसकी 6 साइड होती है हमें पता है, ये हमें याद करना बहुत जरूरी है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था आपको। ये जो हेक्सागन है इसके कह रहा है कि इसके अंदर का जो सम है वो इसके बाहर के जो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल का सम है उसका उसके बराबर है। मतलब ट्वाइस दी एक्सटीरियर एंगल का सम हमें पता है 360 डिग्री होता है, पर ये ट्वाइस कह रहा है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 720 हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो बाहर का सम है 720 वही अंदर का सम भी है, इंटीरियर एंगल का सम भी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसे हम किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए दो चीज ध्यान में रखनी होगी आपको, एक तो ये कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो हमें पता ही है कि 360 डिग्री होता है। सबसे पहले जो हमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालना है ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा इसमें, और आपको लिखना होगा यहाँ पे। यहाँ पे लिखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एन, एन यहाँ पे नंबर ऑफ साइड है, -2 ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई आपको करना है 180 से, 180 डिग्री आप डाल लीजिएगा दोस्तों, डिग्री डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, जब भी आपको क्वेश्चन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए कहा जाए तो आपको ये फॉर्मूला ही पुट करना होता है। आप पुट कीजिए, आपको नंबर ऑफ साइड पता है हेक्सागन की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइड पता है हेक्सागन की कितनी है, हेक्सागन के नंबर ऑफ साइड हमें पता है 6 है। यहाँ पे लिखिए आप, यहाँ पे आप लिखिए 6 6 -2 मल्टीप्लाई 180। तो आप इसको सोल्व कीजिए, 6 में से 2 गया तो मुझे पता है कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे लिखिए 4 यहाँ पे आप 4 लिखिए दोस्तों, 4 क्योंकि 6 - 2 होता है 4, 4 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 720। देखिए इस फॉर्मूले में हमने इसके इंटीरियर एंगल का सम निकाला जो कि फॉर्मूले से निकला हमारा कितना निकला 720। अब हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, वो भी होता है 360 डिग्री। यहाँ पे आप वो लिख लीजिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, हमने वो लिख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि सम प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो आपको इसका ट्वाइस करना पड़ेगा 360 डिग्री का। तो आप इसको 360 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो ये हमारा आया 720 डिग्री। तो ये बिल्कुल सही बात है, हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी 720 है और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो ट्वाइस करना था हमें
एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो भी 720 है। तो ये हमने हैंस प्रूव कर दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। ये हमें दोस्तों प्रूव करना था, नीचे लिख दीजिए हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हम इसको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन में समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हमें कह रहा है हमने वही प्रूव किया। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो हमने पहले इंटीरियर एंगल का सम निकाला और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि ये दोनों 720 है। तो हमने कहते हैं हैंस प्रूफ, ये जो कह रहा है प्रूफ जो हमने करना था ये हमने बिल्कुल सही करा है। हमने यही लाइन लिखनी जरूरी है कि यस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एंड प्रूफ। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन में समझ आया होगा। चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पर। हमारा जो सिक्स क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 36 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। हमें ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया है 36 डिग्री, हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है। ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूले से ही हो जाएगा जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है। हमें इसके लिए यूज करना है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। इस फॉर्मूले से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखिए ईच फॉर्मूला लिख लीजिए आप सबसे पहले अपना यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। हमें ईच एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन में कितना दे रखा है 36 डिग्री, तो यहाँ पे आप 36 डिग्री लिख लीजिए इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन लिख लीजिए। अब एन उस साइड चला जाएगा, 36 को ले जाएगा और 36 एन के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल में हम पता है दोस्तों कितना आएगा 10। तो ये हमारी नंबर ऑफ साइड है। आई होप दोस्तों आपको आज के सारे क्वेश्चन जो हमने करे आपको समझ में आएंगे। हमने अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 हमने कल की वीडियो में किया था। तो 1 से लेके 7 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे 8, 9, 10, 11 बचे हैं जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।